दिन भर दौड़ती रही दमकलें, कहीं शॉर्ट सर्किट से तो कहीं अज्ञात कारणों से लगी आग। सुरेश पारेता, इटावा मातृभूमि न्यूज। इटावा के सुल्तानपुर क्षेत्र धनवा गांव दो अलग अलग जगह आग लग गई, तो वहां 7-8 गीगा की नोलाइया जलकर राख हो गई। तो यहां फायरमैन हेमंत मीना ने बताया कि सुल्तानपुर क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। गुरुवार को भी दिन भर दमकल क्षेत्र में दौड़ती रही। यहां क्षेत्र के धनवा गांव में आग की तेज लपटें देख सभी डर गए। यहां 11 केवी टूटने से अलग अलग दो जगह पर भीषण आग लगने से 7-8 बीघा की नोल या जलकर राख हो गई। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी, जिसकी सूचना ग्राम वासियों द्वारा बुधादीत थानाधिकारी ने सुल्तानपुर नगर पालिका में स्थित दमकल के फायर प्रभारी वीरेंद्र मीना को दी, जहां आनन फानन में दमकल की सहायता से पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस मौके पर फायरमैन हेमंत मीना, गोविंद मीना, रघुराज मीना व फायर ड्राइवर सद्दाम हुसैन द्वारा 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो यहां गुरुवार को 5 अलग अलग जगह पर आग लग गई। हरिजी का निमोदा, बोरा रोड एजेंसी के पास बुधादीत तोरण अमरपुरा धनवा में लगी आग।